तो दिल्ली में 15 अगस्त को 76वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम को लेकर बेहद खास तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी है और आसपास का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जमीन से लेकर आसमान तक कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 15 अगस्त की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से खास बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की सुरक्षा अभेद रहेगी। एनएसजी, एसपीजी, अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के करीब 40,000 जवान लाल किले की सुरक्षा संभालेंगे। लाल किले के आसपास करीब 9 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। जिस रूट से प्रधानमंत्री आएंगे उस रूट के साथ साथ लाल किले के अंदर और लाल किले के आसपास करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका कंट्रोल रूम लाल किले के अंदर है और उसमें दिल्ली पुलिस के जवान लाइव जो फुटेज है वो देखेंगे और फुटेज में कोई भी संदिग्ध नज़र आएगा तो तुरंत कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो एनएसजी के जवान हैं वो साथ लोकेशन पर तैनात रहेंगे। उनके जो स्नाइपर्स हैं वो 15 जगहों पर तैनात रहेंगे। जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 8 जगहों पर लगाया गया है। सबसे बड़ा खतरा ड्रोन से अटैक का है, इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने 270 रूफटॉप बनाए हैं, यानी कि वहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होंगे और उनके पास एक लाल झंडा होगा, एक सफ़ेद झंडा होगा। लाल झंडे का मतलब ये है, अगर वो लाल झंडा हिलाएंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खतरा है, और सफ़ेद झंडा उनके हाथ में अगर रहेगा और अगर उसको लहराएंगे तो उसका मतलब है कि यहाँ पर सब शांति है। तो इस तरह से लाल किले की सुरक्षा जो है वो काफ़ी कड़ी की गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर रहेगा, 300 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज रहेंगे और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। पतंगबाजी को रोकने के लिए जो काइट कैचर हैं उनको तैनात किया जाएगा। अगर कोई भी पतंग आसमान में उस दौरान नजर आएगी तो तुरंत जो काइट कैचर हैं वो पतंग को नीचे गिराएंगे। इसके अलावा जो पूरा इलाका होगा वो नो फ्लाई जोन होगा। प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे तो पूरे समारोह की जो थीम है वो G20 पर आधारित होगी, जहां प्रधानमंत्री का एक स्टेज होगा उसके ठीक सामने एक G20 का बड़ा सा लोगो लगा होगा। समारोह में करीब 10,000 लोग आएंगे और उनकी जो सुरक्षा जांच है वो बेहद कड़ी होगी, और दिल्ली पुलिस के जवान जो है कई स्तरीय जो सुरक्षा वो दे रहे होंगे वो सभी लोगों की सुरक्षा जांच करेंगे। तो इस तरह से हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के मौके पर लाल किले में सुरक्षा काफ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और एक तरह से लाल किले को अभेद्य किले के तौर पे तब्दील किया जा रहा है, जिससे कोई भी अनहोनी ना होने पाए और पुलिस की लगातार जो निगरानी है वो रहेगी। आसमान में किसी भी तरह का जो ड्रोन है या दूसरी छोटी चीज़ें हैं उनके उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।